नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मंडी में आज शिमला मिर्च के भाव में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। कल की तुलना में 10 से 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से शिमला मिर्च के भाव सोलन सब्जी मंडी में आज बढ़े हैं। रेट में आज थोड़ा उछाल देखकर किसानों के चेहरों में भी थोड़ी मुस्कान लौट आई है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से चाहे फ्रास्मिन की बात करें या फिर शिमला मिर्च की, जिसके भाव लगातार कम हो रहे थे, साथ में टमाटर के भी रेट अब कम होने शुरू हो गए। सोलन सब्जी मंडी में शिमला मिर्च जहां 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकी है, वहीं सॉरी जो शिमला मिर्च है मंडी में आज 20 रुपए से लेकर 44 रुपए तक मंडी में बिकी है, जबकि फ्रास्मिन 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिकी है। पिछले कुछ दिनों से फ्रास्मिन का रेट 20 से 25 रुपए के बीच में चला हुआ था, तो उससे किसान भी परेशान थे, क्योंकि किसानों को भी लग रहा था कि शिमला मिर्च के भाव में लगातार गिरावट हो रही थी, तो वो निराश थे। वजह थी कि सोलन सब्जी मंडी में शिमला मिर्च पहले जब सीजन की शुरुआत हुई थी, गर्मी की शिमला मिर्च मंडियों में पहुंचनी शुरू हुई थी, तो यह बिक रही थी मंडी में करीब 50 से 60 रुपए के बीच में, लेकिन फिर भाव में अचानक गिरावट आई और रेट पहुंचते शिमला मिर्च का मंडियों में अब 20 से 25 रुपए के बीच में हो गया था, लेकिन आज 10 से 20 रुपए का उछाल देखने को मिला है और मंडी में शिमला मिर्च आज बिकी है 44 रुपए प्रति किलो तक, 45 रुपए तक भी कुछ एक जगहों पर बिकी है। तो कुल मिलाकर एक हौसला किसानों में आया है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि शिमला मिर्च के भाव में और तेजी देखने को मिले। नासिक के साथ साथ महाराष्ट्र के सांगली से बड़ी मात्रा में शिमला मिर्च की आपूर्ति हो रही है और उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाहरी राज्यों की शिमला मिर्च के मंडियों में पहुंच रही है। उसकी क्वालिटी भी थोड़ी शानदार है और उसके कारण जो प्रदेश की शिमला मिर्च है सोलन या सिरमौर या फिर शिमला जिला से सोलन मंडी में पहुंच रही है, उसके रेट में एक गिरावट देखने को मिल रही है। क्वालिटी का भी फर्क है, क्योंकि मौसम की मार यहाँ पर ही प्रदेश में इस बार फसलों पर बहुत ज़्यादा पड़ी है, चाहे हम शिमला मिर्च की बात करें, चाहे फ्रास्मिन हो या फिर टमाटर हो, मौसम की मार इस बार किसानों को बहुत अधिक सामना करना पड़ा है, इससे प्रभावित हुई है और उसका कहीं ना कहीं असर रेट पर दिखाई पड़ रहा है। टमाटर आप देख रहे हैं सोलन सब्जी मंडी में टमाटर आज 750 रुपये अधिक रेट, अधिकतम रेट 780 रुपये तक आज अधिकतम रेट, और पिछले कुछ दिनों में टमाटर के भाव में भी गिरावट दर्ज की जा रही है, क्योंकि मंडी में 750 रुपये, लेकिन अब टमाटर के भाव में भी गिरावट है, लेकिन शिमला मिर्च में आज तेजी सोलन सब्जी मंडी में सोलन को मिली है और हमारे साथ बिक्री बढ़ेंगी, 470 बढ़ेंगी और हमारे साथ व्यापारी भी जुड़े हैं। कहाँ मेरठ मंडी से? कौन सी? मेरठ मंडी। मेरठ मंडी से आए हैं, नाम क्या है सर? शंभू कुमार जी। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से शिमला मिर्च के भाव में लगातार गिरावट थी, आज थोड़ा उछाल देखने को मिला है, तो क्या वजह है कि आज थोड़ा उछाल है? आज बारिश रुका, इसके वजह से उछाल। अच्छा, यानी भारी राज्यों की जो फ्रास्मिन आ रही थी मंडियों में वो कम मात्रा में पहुंची है, बारिश की वजह से कम पहुंची है, तो आज तो ये उछाल आज के दिन का लग रहा है कि कल भी इस तरह की स्थिति बनी रहेगी? ऐसे ही कल भी रहेगी। अच्छा, कल भी रहेगी। और हम देख रहे हैं कि आप मेरठ से यहाँ हैं, शिमला मिर्च सोलन की और दूसरे राज्यों की भी आ रही है, तो कौन सी बेहतर लग रही है? प्रदेश की शिमला मिर्च ठीक है कि बाहरी राज्यों की ज़्यादा बेहतर आ रही है? अभी तो फिलहाल यही सही है। अच्छी है, डिमांड कैसी है? डिमांड सही है। थैंक यू। और मेरठ से व्यापारी शिमला मिर्च की खरीद के लिए सोलन सब्जी मंडी में पहुंचे हैं और उनसे भी हम जान रहे थे कि किस तरह के भाव रहे हैं।
पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। पंजाब केसरी टीवी, बहुत बहुत धन्यवाद।